Hello friends, this is Ayush and I have taken here idioms. We are going to study idioms. जैसा कि आप जानते हैं, idioms बहुत ही पेचीदे, बहुत ही complicated होते हैं. देख के समझ में नहीं आता कि इसका meaning क्या होगा. So friends, अब हमने idioms बना लिए हैं और ये idioms हम आपको याद कराने वाले हैं हमारी vocabulary की process की मदद से. Vocabulary आपको idioms देखते भर से ही याद कराने वाली है. सो स्टार्ट करते हैं आज जो idioms पढ़ने वाले. सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं. सबसे पहला idiom आने वाला है friends, a white elephant. उसके बाद आने वाला है a wild goose chase. फिर आने वाला है at once, wit end. और उसके बाद आने वाला है bad blood. और आज का लास्ट idiom रहने वाला है by leaps and bound. सो सबसे पहला idiom friends है आज a white elephant. A white elephant का मतलब होता है costly या troublesome possession या फिर महंगी या खर्चीली वस्तु. यहाँ पर हम पासवर्ड देखने वाले हैं. पासवर्ड हो गया है व्हाइट एलिफेंट. और स्टोरी पर ध्यान देंगे तो हम देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो व्हाइट एलिफेंट घर ले आता है. व्हाइट एलिफेंट जो लेकर आता है इसके लिए बहुत ही खर्चीली वस्तु हो जाती है. इसको ये बार बार चीज़ें खिलाता है, कभी घास खिलाता है, कभी पूरा जंगल काट के खिला देता है. लेकिन इस व्हाइट एलिफेंट की भूख शांत नहीं होती और आखिरी में इसको अपना घर बार भी बेचना पड़ जाता है उसको केले खिलाने के लिए. और इस प्रकार से उसके लिए वो ये बहुत ही खर्चीली वस्तु बन जाता है. तो अ व्हाइट एलिफेंट क्या होता है? ट्रबल संपदेशन या फिर खर्चीली वस्तु. नेक्स्ट है अ वाइल्ड गूस चेस. अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च या बेकार की मेहनत. पासवर्ड अपन ने लिया है वाइल्ड गूस. फ्रेंड्स बेसिकली ये बतख या फिर हंस टाइप का कुछ होता है लेकिन हमने इसको मुर्गा बना दिया है. तो अपना पासवर्ड हो जाएगा वाइल्ड और गूस की जगह आपको दिखेगा मुर्गा और चेस करना. तो एक व्यक्ति है जो वाइल्ड गूस को पकड़ने के लिए उसे चेस कर रहा है लेकिन उसका चेस करना क्या हो चुका है उसके लिए बेकार की मेहनत हो चुका है या फिर फ्यूटाइल सर्च हो चुका है. तो अ वाइल्ड गूस केस का मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च. नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड. एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है परप्लेक्स्ड या फिर कंफ्यूज्ड. तो पासवर्ड अपन देखेंगे. पासवर्ड हो गया है विट्स को अपन ने वीट बना दिया. वीट गेहूं और एंड मतलब उसका अंत. तो एक किसान है जो खेत में लगे हुए वीट के एंड को प्रेस करता है और बीट के एंड को प्रेस करने से उसके अंदर से क्वेश्चन निकलता है जो क्वेश्चन उसको क्या करता है कंफ्यूज कर देता है या फिर उसको परप्लेक्स्ड कर देता है. तो एट वंस विट्स एंड क्या हो जाएगा परप्लेक्स्ड या फिर कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट है बैड ब्लड. बैड ब्लड का मतलब होता है वेरी एंग्री बहुत ही गुस्से में. पासवर्ड अपन ने लिया है बैड और ब्लड. एक डॉग है जो एक बैड ब्लड वाले व्यक्ति को काट लेता है और बैड ब्लड वाले व्यक्ति को काटने के कारण वो व्यक्ति बहुत ही एंग्री हो जाता है, बहुत ही गुस्से में आ जाता है. तो बैड ब्लड क्या होता है वेरी एंग्री या फिर गुस्से में लाल होना. और आज का लास्ट आइडिया में फ्रेंड्स बाय लीव्स एंड बाउंड. बाय लीव्स एंड बाउंड का मतलब होता है वेरी क्विकली बहुत जल्दी. पासवर्ड अपन ने लिया है यहाँ पर ली को हमने एक कैरेक्टर बना दिया है लीजेंस. अगर आप एल पढ़ चुके हैं तो फ्रेंड्स आपको पता होगा ली से एक कैरेक्टर आती है वोकैबुलरी की जो है लीजेंस. और बाउंड को बॉन्ड बना दिया है. जब हम कंपनी में कभी जॉब पाते हैं तो उसको पाने से पहले हमें एक बॉन्ड भरना होता है. तो यहाँ पर पासवर्ड हो गया है लीजेंस और उसके हाथ में है बॉन्ड. तो फ्रेंड्स लीजेंस वो जो झूला होता है झूले में से बहुत ही क्विकली बहुत ही जल्दी अपने हाथ में बॉन्ड लेकर नीचे आ जाती है. तो बाय लीव्स एंड बाउंड होता है वेरी क्विकली. सो फ्रेंड्स जो आपने आइडियम पढ़े इसको हम एक बार रिविजन करने वाले हैं. सबसे पहला आइडियम था अ वाइट एलिफेंट मतलब होता है ट्रबलसम पोजीशन या खर्चीली वस्तु. तो एक आदमी अपने घर वाइट एलिफेंट लाता है जो उसके लिए बहुत ही खर्चीली वस्तु बन जाती है. नेक्स्ट था फ्रेंड अ वाइल्ड गूस चेस मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च या बेकार की मेहनत. तो एक व्यक्ति वाइल्ड गूस को चेस करने के लिए बेकार की मेहनत करता है, उसके पकड़ाई में नहीं आता है. नेक्स्ट था फ्रेंड एट वंस विट्स एंड. एट वंस विट्स एंड मतलब कंफ्यूज्ड या फिर पजल्ड होना या परप्लेक्स्ड हो जाना. तो एक किसान फीट के एंड को प्रेस करता है जिसमें से क्वेश्चन निकलता है जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है या परप्लेक्स्ड हो जाता है. बैड ब्लड वेरी एंग्री या गुस्से में लाल होना. तो एक डॉग बैड ब्लड वाले व्यक्ति को काट लेता है जिससे वो व्यक्ति बहुत ही एंग्री हो जाता है और वो गुस्से से लाल हो जाता है. और आज का लास्ट था बाय लीव्स एंड बाउंड. बाय लीव्स एंड बाउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स वेरी क्विकली. तो लीजेंस अपने हाथ में बॉन्ड लेकर उस झूले से वेरी क्विकली फटाक से नीचे आ जाती है. तो सो फ्रेंड्स जो आपने आइडियम्स देखे हैं ये आपको पूरे के पूरे याद होने वाले हैं. आपको इन्हें याद अच्छे से करने के लिए इस वीडियो को एक से दो बार फिर से देखना है. आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा इसके पासवर्ड्स पे क्योंकि पासवर्ड आपको ध्यान है मतलब पूरे के पूरे आइडियम्स याद है. और फ्रेंड्स आइडियम्स को यूज़ करने का अपना एक अलग ही मजा है. सो आई एडवाइज़ यू कि आप इसे एक बार फिर से देखें और ये आइडियम आपको याद होने वाले हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.